यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश रहने दाता, सदा सुखी रखे माता रानी। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या इसे आप अपनी निजी जिंदगी में लागू कर पाते हैं? अक्सर हमने सुना होगा कि कोई कहता है कि भीड़ देखते ही घबराहट शुरू हो जाती है, कोई कहता है कि मुझे बंद जगह बेचैन करती है, तो कोई पानी से घबरा जाता है, कोई ऊंचाई से जाने से डरता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कहीं मत जाइए, क्योंकि आपकी बेचैनी का अचूक उपाय लाए हैं हम आज के एपिसोड में। इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी, कुछ लोग होते हैं बहुत बेचैन रहते हैं, भीड़ देखती बेचैनी शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है, भीड़ देखती भाग जाते हैं, ऐसा क्यों और वो ऐसे लोग क्या करें? ये वो लोग होते हैं जिनके मुंह में हर वक्त पानी बना रहता है, बल्कि इतना पानी आता है कि उनको घूंट भरना पड़ता है। इनको बोलते हैं सूर्य खराब वाले लोग। सूर्य खराब इसका मतलब है कि हिम्मत ना होना, अपने आप में पूरे शेर होना, लेकिन सामने कई लोगों को देखते हुए बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाना, इस तरह के हालात के बना। ये लोग हालात को फेस नहीं कर पाते, अगर कोई सवाल करे उसको फेस नहीं कर पाते, तो इसीलिए ज़्यादातर भीड़ से बचने की ही जुगत में ये एकांत में रहें। ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि अपने काम काज के अंदर भी ये एक आध के साथ तो वार्तालाप कर लेते हैं, अगर 5-7-10 लोग भी बैठे हों तो इनको घबराहट फिर होती है कि कहीं इनसे गलती ना हो जाए या इनको कोई गलत ना समझ ले, इस तरह की प्रॉब्लम इनके साथ होती है। और भीड़ को देखते ही इनका हालत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और ये वहाँ से बच के भागने में ही अकलमंदी समझते हैं, इसे सूर्य खराब बोलते हैं। इन लोगों में लीड करने की ताकत तो बिल्कुल नहीं होती, तो ये लोग इस प्रकार के होते हैं कि अपने आप को एक सीमित दायरे के अंदर रखते हैं, उससे बाहर निकलना इनको पसंद नहीं होता। शादी विवाह पे अगर जाना हो और वहाँ जा कर के बहुत देर तक रुक कर के सबके साथ हंसी मजाक करने हो, ये भी इनके अंदर ताकत नहीं होती। तो ये अगर जाते भी पड़े कहीं पे तो बहुत जल्दी ये घर की वापसी का रास्ता तय करते, कहने का मतलब वहाँ इंजॉय भी नहीं कर पाते और ये वापसी आ जाते हैं, ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है। इन लोगों को उपाय ज़रूर करने चाहिए। इन लोगों के लिए काले और नीले रंग के कपड़े जहर की तरह हैं, तो वो इनको बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। इन लोगों को शराब, मांस, किसी भी तरह के अभक्ष्य सेवन से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग को कुदरती रुझान इस तरफ ज़्यादा जाता है, अभक्ष्य सेवन की तरफ। अगर ये लोग देसी घी में बना हुआ खाना रेगुलर खाएँ और थोड़ी एक्सरसाइज करके चलें, ठीक है, और सूर्य को जल ज़रूर देते रहें, गुड़ या गेरू मिट्टी डाल करके, तो इन लोगों के अंदर बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आ जाती है और थोड़े ही समय में आती है। तब ये अपने आप को पूरी तरह से समय भी दे पाते हैं और लोगों को भी समय दे पाते हैं और उनको फेस भी कर पाते हैं। बिल्कुल, गुरुदेव के बताए उपाय आप करेंगे तो अपनी बेचैनी का हल आप ज़रूर पाएंगे। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले बात होगी मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज के दिन कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छा आपका प्रभाव रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं, और परिवार की जिम्मेवारियों को भी बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे, हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन आज काम करते समय रास्ते में जो विरोधी होंगे आपके, जो ये चाहते नहीं कि आपके ये काम संपूर्ण हो, वो रोड़ा ज़रूर अटकाएंगे, लेकिन हिम्मत हारने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सुबह सवेरे मंदिर जाएं, हनुमान जी को प्रणाम करें, उनसे शक्ति का वरदान मांगें, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका और सारे कार्य आज आपके सफल होंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लोग आज परिवार वालों के साथ मिलकर के जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर सफलता मिलेगी। और अगर कहीं मन ये है कि नहीं, परिवार के साथ सिर्फ वक्त बिताया जाए
एक अच्छा खुशनुमा माहौल बनाया जाए तो वो भी आज होने वाला है। और परिवार के साथ में बैठ के किसी भी प्रकार की योजनाओं के ऊपर काम करते हैं जो भविष्य के अंदर आप इम्प्लीमेंट करके उनके अंदर कामयाबी पा सकें, उसके लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। बस थोड़ा सा दूध चावल मंदिर में अर्पित करके तब योजनाओं की तरफ ध्यान दें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जो ब्याहता लोग हैं उनको अपने जीवन साथी की तरफ से भी खुशी मिलेगी और जिनके पुत्र हैं उनको पुत्र की तरफ से भी बहुत खुशी का दिन है आज। और आज के दिन कार्यक्षेत्र में बहुत ही सफलता अच्छी है, आपका आत्मविश्वास शक्ति हर तरह से बढ़ी हुई मिलेगी, यानी कि उड़ने को मन करेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आज अपने रुके हुए कार्य भी करें और जीवन साथी या पुत्र के साथ मिलकर के कोई भी कार्य करना हो वो तो सर्वोत्तम है। करना क्या है, कन्याओं को थोड़ी सी मिश्री बांटें। गुरुदेव, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहूंगी। कुछ लोग होते हैं जो एक जगह पर टिक के नहीं बैठ सकते, थोड़ी देर बैठते हैं बेचैन हो जाते हैं, खुली हवा लेने के लिए बाहर चले जाना या इधर उधर घूमना, ऐसा क्यों और ऐसे लोग क्या करें? ये से बोलते हैं बेटा मंगल का अशुभ होना। और आप देखते होंगे कि कई बच्चे बचपन के अंदर इस प्रकार के होते हैं कि उनको बहुत ही उतावलापन रहता है, ठीक है, और वो कभी कोई सामान उठाते हैं फिर वो पटकते हैं, एक चीज़ छोड़ते हैं दूसरी को पकड़ लेते हैं, उसको तोड़ भी देते हैं। उनको हर वक्त कुछ ना कुछ करने को चाहिए लेकिन उन्होंने करना क्या है ये उनकी बुद्धि में होता नहीं। यही लोग जब बड़े होते हैं तो या तो एक इस तरह के हो जाते हैं कि ये बिल्कुल एकांत में अपने आप को बंद रखते हैं, किसी के साथ में भी ज़्यादा उठ बैठ नहीं करते, रिजर्व टाइप हो जाते हैं। लेकिन और कहीं अपनी पसंद की जगह को छोड़ के अगर कहीं पर भी ये बैठे हुए हैं तो ये बैठ ही नहीं सकते, इनको बार बार उठना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, इनको वो माहौल ही पसंद नहीं आता, कभी ये इसे यहाँ के बारे में सोचते हैं कभी वहाँ के बारे में सोचते हैं, यानी कि बुद्धि के अंदर स्थिरता नहीं बन पाती है। ये लोगों को अपने जीवन में ख़ास तौर पर जो ख्याल रखना चाहिए वो ये कि बहुत ज़्यादा उत्तेजना वाले खाने ना खाएं, ठीक है, और हर मंगलवार को दूध में हलवा बनाकर मंदिर चढ़ा करके ये ज़रूर पढ़ते रहें और चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखें। और इन लोगों की आँखों पे और पेट पे बहुत जल्दी असर आता है, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में अगर आँख पे चश्मा मोटा हो, वहाँ दिक्कत आए बचपन से ही, और पेट के अंदर बार बार अगर खराबियाँ बनती हों तो ऐसी अवस्था के अंदर इन लोगों को गुड़ की रोटी यानी कि चाशनी बनानी है, उसको आटे में गूंदना है और उसके 8 पेड़े बनाने, उनको तंदूर में लगवा के ये पक्षियों को छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाते रहेंगे तो उस बुराई से भी निजात मिलेगी और जीवन के अंदर ठहराव आएगा और ठहराव आने से कामयाबी आएगी। गुरुदेव, इसी से जुड़ा एक मेरा एक और सवाल, ऑफिस प्रीमाइसेस में अक्सर मैंने देखा है कि लोग बैठे एक जगह काम करते रहते हैं, इतने इंट्रोवर्ट हैं, किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते, ऐसा क्यों? ये जो लोग होते हैं इनको अपने काम से ही मतलब होता है। ये लोग या तो बहुत ज़्यादा समझदारों की गिनती में आते हैं या बहुत ज़्यादा डरपोक की गिनती में आते हैं, ये दोनों एक जगह चिपक जाते हैं तो हटते नहीं हैं। अब जो तो कामयाब है, समझदार है, उनकी बुद्ध अच्छा होता है और उन लोगों को समझ आता है कि हाँ ये प्लानिंग है और मैंने इस प्लानिंग के ऊपर काम करके ख़त्म करके ही बाहर जाना है। लेकिन ये जो डरपोक किस्म के लोग होते हैं इनको ये डर होता है कि जो वो काम कर रहे हैं चुपचाप अगर करते रहेंगे, हम सीट से नहीं हिलेंगे, तो ऐसे में कोई उनको टोकेगा नहीं और टोकेगा नहीं तो हिसाब किताब भी नहीं मांगेगा काम का जो वो कर रहे हैं, तो वो धीरे 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 करके लगे रहते हैं और वो बात सिर्फ उन्हीं से करते हैं जो उनको प्यार से कुछ बता सके, समझा सके, उनके काम को बेस्ट कर सके, इसके अलावा वो किसी को नहीं दिखाना चाहते कि वो क्या करते हैं, समझे ना। इनकी अपनी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर होती है, आइडिया की शक्ति थोड़ी कमज़ोर होती है। ये लोगों का सूर्य और चंद्रमा दोनों ही खराब होते हैं। इन लोगों को हर रविवार, हर मंगलवार, हर बृहस्पतिवार को दूध के अंदर गेहूं का दलिया बना करके स्वयं खाना भी चाहिए और लोगों को बांटना भी चाहिए मंदिर चढ़ा करके, तो तब इनके मन की शक्ति ये स्ट्रांग बनती है और अपने काम को बेटर परफॉर्म कर पाते हैं और अच्छा ये करके लोगों को दिखा पाते हैं। वरना ये काम तो यहाँ कर रहे हैं पर ये सोचते रहते हैं आसपास के माहौल के बारे में, जिसके कारण
काम के ऊपर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता, डरे हुए रहने के कारण उसके अंदर हिम्मत से कुछ आगे नहीं कर पाते, इसकी वजह से ये पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल, इतनी खास जानकारी आपको कहीं और नहीं सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिलेगी। चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले बात होगी कर्क सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि, आज आपके यहाँ या आपके किसी अपने के यहाँ कोई ना कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, कोई खुशी का संदेश भी रहेगा, तो उसके कारण भी दिन शुभ है। और वैसे भी आपके विचार योजनाएं किसी को भी कार्य रूप देना हो और उसमें सफलता पानी हो, उसके लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। करना क्या है, भोलेनाथ पे थोड़ा सा जल अर्पित करें और कुछ फूल मंदिर में वो अर्पित करें। सिंह राशि के लिए जितना बोले उतना कम है। आज आपने हर तरह की चुस्ती फुर्ती, हर तरह से एक्टिव दिमाग, इतना अच्छा कुछ आज आपके साथ है, तो जो भी कार्य करेंगे उसके आइडियाज़ पहले ही परमात्मा आपको देगा, उनको सफल बनाएंगे। और आज हर तरह के सुखद समाचारों की भी प्राप्ति होगी। एक आध अगर नेगेटिव आया भी तो आपकी ज़्यादातर अच्छा दिन होने के कारण वो बीच में ही धुल जाएगा। आज खास तौर पे आप पे नारायण भगवान की कृपा है, तो इसीलिए श्री राम जी के या श्री कृष्ण जी के दर्शन करके दिन की शुरुआत करें और सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि के वो बच्चे जो कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं, लिखाई पढ़ाई से संबंधित कुछ करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन लड़ना चाहते हैं, उन सब के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। तो आज के दिन करना क्या है, नीले और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना आपको, और इसके साथ ही थोड़ा सा दूध थोड़ी सी मिश्री ये मंदिर में अर्पित करें। गुरुदेव, अब दर्शकों को ये बताएं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बंद जगह से बहुत घबरा जाते हैं, जैसे लिफ्ट में जा रहे हैं तो उन्हें घबराहट हो जाती है, वो लिफ्ट से छोड़ के सीढ़ियां से प्रेफर करते हैं, बंद अंधेरे वाली जगह में रहेंगे तो डरना शुरू कर देंगे, ऐसा क्यों और ऐसे लोग क्या करें? ये लोग शुक्र और राहु के प्रभाव में आते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो बेटा केतु भी खराब होता है। केतु होता है पॉजिटिव सोच, ठीक है? तो ये जो शुक्र और राहु के खराब वाले लोग हैं, इनको वाकई में बंद जगह से भी परहेज होता है। और आपने देखा होगा वो मॉल के अंदर एक्सेलेटर लगे होते हैं, उनके ऊपर भी चढ़ के जाना हो, एयरपोर्ट पे लगे होते हैं, ये वो नहीं प्रेफर करते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम इनके साथ होती है। इनको क्या है, ये बहुत जल्दी उतावले भी हो जाते हैं, गलती को मानने में भी इनको प्रॉब्लम होती है, इनको बेइज्जती भी महसूस होती है, और इतने दयालु होते हैं कि थोड़ा सा किसी के भी रोने पर उसके ऊपर कुछ भी लुटा देने वाले हैं, ठीक है? सामने वाला नहीं भी मांग रहा तो उसकी हालात को सोच करके अपने आप ही मदद के लिए आगे आने वाले भी होते हैं। ये अच्छापन भी है, ये बुरापन भी है, जो बंद जगह पर बैठना, ये एक्सेलेटर पर चढ़ना, ये सारी प्रॉब्लमें भी करते हैं ये। तो इन लोगों के स्वास्थ्य में भी छोटी 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 दिक्कतें लगी रहती है, और कई लोगों को पेट और गुप्तांग से संबंधित भी दिक्कतें आती हैं। ये इतनी बड़ी समस्या है जिनके साथ ये होता है। इन लोगों को श्वास की तकलीफ भी महसूस होती है, ठीक है? तो ऐसे लोगों को हरा नारियल जो पूजा वाला है 27 दिन लगातार मंदिर में रखना चाहिए, और उसके बाद में हर बुधवार को इनको ये रखना चाहिए, और चंद्र मंगल की सहायता लेनी चाहिए। अगर औरत है तो वो चांदी की चूड़ी पे लाल मीना लगवा के वो धारण कर सकती, और अगर मर्द है तो चांदी की डिब्बी में शहद भर के उसको किसी भी गोंद एल्फी वगैरह से चिपका के उसको अपनी जेब में रखे, तब इनकी ये प्रॉब्लम ठीक होने लगती है, धैर्य आने लगता है, दिल मजबूत होने लगता है, फिर ये अच्छे बुरे को भी तोलते हैं। ये उपाय करने के बाद फिर ये तोलते हैं कि ये वाकई में ये मजबूरी सिर्फ दिखा ही रहा है या बता रहा है, तो ये फिर सोच समझ के भी खर्चते हैं, वरना इनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है इसी तरह के भावनात्मक कामों के लिए। तो गुरुदेव, ऐसे लोग भी होते हैं जो अकेले सोना ही पसंद नहीं करते हैं, इतना डरते हैं, इतने डरपोक होते हैं कि कोई ना कोई साथ चाहिए, अकेला कमरा उन्हें खाता है, लाइट जला के सोएंगे, एकदम रोशनी करके सोएंगे। इन लोगों पर भी यही सेम प्लैनेट इफेक्ट करते हैं? नहीं बेटा, ये जो लोग हैं इनका सूर्य और मंगल दोनों ही खराब होते हैं। अब दोनों ही खराब हो कुंडली के अंदर, और कोई पोजीशन तो बनती नहीं है, ये तभी बनती है जब खराब शनि लग्न के अंदर बैठा हो। तो इन लोगों को एक बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये अकेले सो भी नहीं सकते, और जरा जरा सी चीज़ पे एक आहट से भी डरते हैं।
इनके कोई साथ भी हो तो इनको एक आदमी की पीठ चाहिए छुपने के लिए, तो इनके साथ में ये प्रॉब्लम होती है। ये ज़्यादातर शनि खराब जो होता है उनके साथ ही होता है लग्न के अंदर। तो इन लोगों को 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा घास वाली ज़मीन के अंदर दबाना चाहिए, काले नीले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहने चाहिए, और हर रोज़ पानी के अंदर थोड़ा सा दूध और थोड़े से 4 दाने चीनी के डाल के बरगद के पेड़ पे चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाना चाहिए। इससे सूर्य अच्छा होने लगता है, शनि अपनी जगह छोड़ देता है, सुरमा दबाने से अपने आप ये अच्छे होने लगते हैं और हालात को समझने लगते हैं और इनमें भी हिम्मत पैदा होने लगती है। बहुत खूब, आप चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वालों के लोगों के लिए आज थोड़ा सा मेहनत का दिन है, लेकिन मेहनत के साथ में सफलता है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेहनत करें और कुछ मिल जाए तो और क्या चाहिए, ठीक है। तो मेहनत करिए, परिवार वालों के साथ में भी हर तरह से उत्तम सुख लिखे हुए हैं, उनका सुख सहयोग लिखा है, खानदान में कोई ना कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, उस तरह से भी कोई ना कोई सुखद समाचार मिलेगा, तो अच्छा दिन है। आज के दिन छोटी छोटी कन्याओं को कुछ मीठा जरूर बांटें। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कोई संघर्षमय है और शरीर में आलस्य और दिखते परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी किसी न किसी का खराब हो सकता है। कार्यक्षेत्र के अंदर बेमतलब की या तो बहुत मेहनत या अड़चने, इस तरह का दिन आ रहा है, लेकिन डरने की बात नहीं। अगर माता पिता के पांव हाथ लगा के आज आशीर्वाद लिया और मंदिर जाके सिर्फ माथा टेक के परमात्मा से आशीर्वाद लेके निकले और पॉजिटिव सोच के निकले तो सारे संघर्ष खत्म होंगे, कामयाबी जरूर मिलेगी। धनुराशि के लोगों को आज अपने साथ काम करने वाले सहकर्मी सहयोगी, इनसे परेशानी होने वाली है, उनके साथ मतभेद भी हो सकते हैं और अगर लड़ाई हुई तो कोई ना कोई चोट चपेट भी लग सकती है। और अगर कहीं तेज़ी से वाहन चलाया या रास्ते में किसी से लड़े तो भी कोई ना कोई घटना घट सकती है, तो इसीलिए थोड़ा सा अपने ऊपर काबू बना करके चले। आज सुबह सवेरे मंदिर जाके परमात्मा का तो आशीर्वाद लेना ही लेना है, वहाँ बैठे पंडित जी चाहे आपसे उम्र में छोटे हों तब भी आप उनके पाँव हाथ लगा करके उन्हें को सुख और स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें, तब काम पर निकले, अच्छा होगा। गुरुदेव, अब दर्शकों को बताएं कि कुछ लोग होते हैं कि ऊंचाई पर जाते ही पसीने छूट जाते हैं, ऊंचाई से नीचे देखते हैं चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, ऐसा क्यों और इनके लिए उपाय बता दीजिए। बेटा, ये जो लोग होते हैं जो ऊंचाई से डरते हैं, इनका किसी न किसी रूप में कोई ना कोई ग्रह ऐसा बैठा होता है जो सूर्य को खराब कर रहा होता है, समझ गए, माफ करना, सूर्य को नहीं राहु को खराब कर रहा होता है। जैसे सूर्य की दृष्टि हो राहु के ऊपर तो खराब होता है, शुक्र की दृष्टि हो राहु के ऊपर तो खराब होता है, ठीक है, मंगल खराब की दृष्टि हो राहु के ऊपर तो ये खराब होता है, तो इस तरह से प्रॉब्लम बनती है। तो ऐसे में सबसे अच्छा उपाय जो होता है वो यही होता है कि नीले रंग के फूल मिलते हैं बेटा, बहुत तरह के हैं, ठीक है, 6 फूल भले छोटे छोटे लेकर के मंदिर के अंदर माँ सरस्वती को 6 दिन चढ़ाने चाहिए हर साल। अगर ये उपाय करते हैं और एक चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखते हैं तो ऐसी अवस्था में इनका डर लगना टोटली कम होने लगता है, ऊंचाई से जो इनको डर लगता है वो बंद होने लगता है। लेकिन इन लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, अगर ये शराब का इस्तेमाल करते हैं, चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, या काले चने, इसका बहुत ज़्यादा इनको शौक है, या मांस खाते हैं, इन लोगों का डर इन चीज़ों में और बहुत बढ़ जाता है। ये दारू पी के तो शेर हो सकते हैं, शराब पी के, लेकिन ऊंचाई देखते ही इनकी जान निकलने लगती है, तो इसीलिए इनको ये अभक्ष्य सेवन बंद करने चाहिए, चाय ज़्यादा बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, इनको जूस पीने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हैं, और साथ में इसके काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फूल मंदिर में चढ़ाने चाहिए और चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखना चाहिए। गुरुदेव, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि कुछ लोग होते हैं जो पानी से बहुत घबराते हैं, पानी के आसपास तक जाना पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों के बारे में क्या होगा? ये लोग वो लोग होते हैं जिनके बुध की टक्कर चंद्रमा को पड़ती है, यानी कि जहाँ बुध बैठा हो उसके ठीक 8 घर आगे बुध बैठा हुआ हो,
बुध को जिस घर में बैठा हो उस घर को गिन के अगर आठवें घर में जाकर के चंद्रमा बैठा हो, इन लोगों को पानी से बहुत डर लगता है, समझे। ये पानी के अंदर बिल्कुल अस्थिर महसूस करते हैं, इनको डर लगता है कि जिस चीज़ पे कहीं वही ना डूब जाए, इस तरह का। और कई लोग तो स्विमिंग पूल में उतर करके भी ट्रेनर को साथ लेकर के साइड पे डंडा पकड़ के खड़े रहते हैं, लेकिन वो तैरना नहीं सीखते, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है ये बुध और चंद्र के आपसी टकराव के कारण होती है। इन लोगों को यही भ्रांति नहीं होती, इसके अलावा इन लोगों को एक और प्रॉब्लम होती है कि ये जो भी एक पॉजिटिव सोच भगवान के नाम पे सोच जो करते हैं उसके अंदर भी ऐसी सोच रखते हैं कि दूसरे को फ़ायदा हो जाता है, अपने आप को नुकसान होता है। प्रॉपर्टी पैसे का मामला आता है तो ये छोड़ने के लिए इतनी जल्दी तैयार हो जाते हैं क्योंकि मुसीबत से बचना है, और भावनात्मक रिश्ता या भावनात्मक व्यवहार दिखाते हुए अपने आप को नुकसान कर लेते हैं, ये भी इनमें प्रॉब्लम होती है। इन लोगों की माता को जीवन के अंदर बहुत बड़े दुख उठाने पड़ते हैं और माता को भी डिमेंशिया जैसी बीमारी होती है, स्वास्थ्य के लिए भी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये बुध की टक्कर, ये बुध यानी कि नाड़ी और चंद्रमा यानी कि हमारे शरीर के अंदर का पानी और माता भी, प्रॉपर्टी भी, पैसा भी, इन सब हिस्सों में बार बार तकलीफें इनको देखने को मिलती हैं। तो ऐसे लोगों को 43 दिन लगातार थोड़े से चावल और थोड़ी सी मिश्री ये मंदिर में देनी चाहिए और हर साल देनी चाहिए, ठीक है। और हरे रंग से सख्त परहेज बना करके रखना चाहिए इनको, और घर के अंदर किसी भी तरह के जिसके ऊपर फूल या फल ना आते हों ऐसे पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए, वो इनके लिए बहुत घातक हो जाते हैं। तो ऐसी ऊर्जा से इनको दूरी बना के रखनी होती है, और ये चावल और मिश्री मंदिर में देने से बहुत इनको आराम और लाभ दोनों प्राप्त होते हैं। गुरुदेव, ऐसे एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि कुछ लोग बड़े एडवेंचरस होते हैं, उन पर कौन से प्लैनेट्स इफेक्ट करते हैं कि बहुत एडवेंचर करना पसंद करते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनका मंगल और केतु उच्च होता है। केतु उच्च ऑलवेज पॉजिटिव सोच देता है, खुशी वाला माहौल देता है। मंगल हिम्मत देता है, और हिम्मत ऐसी कि पहाड़ की ऊंची से ऊंची चोटी भी चढ़ जाना। कई लोग ऐसे हैं कि कितनी कितनी बार वो लोग एवरेस्ट भी चढ़ाए, और बहुत सारे आदमी या औरतें ऐसे हैं कि वो छुट्टी वाले दिन खुशी मनाने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं या जंगलों के अंदर जाते हैं और बहुत दूर दूर तक की सैर करके आ जाते हैं, बहुत दूर दूर तक घूम के अच्छी तरह से इंजॉय करके आते हैं। ये वो लोग होते हैं, और ये वो लोग होते हैं अगर इनको रियलिटी में कोई बहुत ही बड़ा और अच्छा जिम्मेवारी का काम दिया जाए तो ये अपनी लाइफ के अंदर बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचा करके दिखाते हैं। और ऐसा इंसान अगर मामूली स्कूल टीचर भी हो ना, तो वो अपने ग्रुप के अंदर सबका चहेता होता है, सब उसी की काबिलियत की तारीफ़ करते हैं। और ये आदमी, इतना आदमी हो या औरत हो, इतने बिंदास होते हैं कि किसी को प्यार से कुछ भी कह लेना, समझेंगे, और किसी भी तरह की सलाह देना और सही सलाह देना, इन लोगों का एक तरह का काम होता है। इन लोगों को रियलिटी में सोना अपने तन पे हमेशा धारण रखना चाहिए ताकि उनके गुणों में और वृद्धि हो सके। बिल्कुल, आपकी खुशहाली में भी वृद्धि हो सके, इसके लिए एस्ट्रो साइंस देखना बिल्कुल ना भूलें। अब चर्चा आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे मकर कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वाले लोगों के लिए आज पेट से संबंधित कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा तो आपका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावित करने वाला होगा कि जो भी कार्य आप कर रहे होंगे, जो भी बात सुन रहे होंगे, जिस भी प्लान के ऊपर चल रहे होंगे, अचानक एक आइडिया आपको हीरो बना देगा और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होगा, और वो दूसरे लोग मानेंगे, आज नहीं तो कल मानेंगे, लेकिन मान के आपको एक बहुत अच्छी इज्जत की प्राप्ति होने वाली है। तो आज के दिन को व्यर्थ बिल्कुल ना जाने दें। करना क्या है, माता पिता के पांव हाथ लगाएं, थोड़े से फूल लेकर के मंदिर में अर्पित करें, दिन की शुरुआत करें और अच्छा होगा। कुंभ राशि वालों के लिए तो आज अमृतमय दिन है। जो काम पिछले समय से नहीं हो पा रहा है, घर का कोई खास काम अटका हुआ है, किसी अपने जानकार का यार दोस्त का कोई काम अटका हुआ है, आज उस पर थोड़ी सी मेहनत करके देखें,
आज आपकी पॉजिटिव एनर्जी इन कामों को संवारने के लिए बहुत ही उत्तम हालात में है। और आज के दिन माँ दुर्गा का दर्शन करके एक फूल वहाँ चढ़ा हुआ उठाकर अपनी जेब में डाल करके निकलें, ताकत कई गुना बढ़ेगी। मीन राशि, मीन राशि के लोगों को आज किसी न किसी के सहयोग से या सहायता से कामयाबी मिलेगी, लाभ की प्राप्ति होगी। परिवार की तरफ से भी बिल्कुल आज आप निश्चिंत रहने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में आशाजनक परिणाम रहेंगे, इसलिए खुशी भरा दिन है। तो मंदिर जाएं, पहले परमात्मा का आशीर्वाद लें, फिर वहां बैठे हुए पंडित जी का आशीर्वाद लेकर के तब दिन की शुरुआत करें। यह खुशी कई गुना बढ़ भी सकती है। गुरुदेव, दर्शकों को बताएं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके मन में ना वहम बैठ जाता है कि हमारे आसपास कोई है, उन्हें इल्यूशंस ज़्यादा होते हैं, मतलब कोई आसपास चल रहा है, कोई हमारे साथ बैठा है, कोई हमें देख रहा है, ऐसे वहम में वो रहते हैं। इनके बारे में बताएं और ये लोग क्या उपाय करें इसके बारे में। ये बेटा बहुत ही बुरा फोबिया होता है, और ये सच्चाई है कि जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि, बुध और मंगल, ये तीनों जिनके खराब हो जाते हैं, ये लोग फोबिया के शिकार हो जाते हैं। इन लोगों की गिनती क्या करें, कितनी तरह की बीमारी है। इनको किसी के कपड़े के साथ कपड़ा टच हो जाए तो मुसीबत, कहीं टेबल का कोई व्यायाम आ गया वहाँ हाथ लग गया तो मुसीबत। इनको हर वक्त गंदगी महसूस होती है, अपने हाथ पे कोई गंदगी ही लगी हुई है। ये नहाने लगते तो नहाते ही जाते हैं, हाथ धोने लगते कई कई घंटे हाथ ही धोते रहते हैं। किसी गली से गुजर जाएं, उस गली का वहम आ गया, दोबारा उस गली से नहीं जाएंगे। इनको पैसे का वहम आ गया, पैसा छुपा करके रख देंगे और ना हाथ लगाएंगे ना लगाने देंगे। और मैंने तो ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि नई गाड़ी लेके आए, उसका वहम आ गया, वो खड़ी खड़ी बिल्कुल कबाड़ बन गई, टायर बिल्कुल पिचक गए, सारा उसका हाल खराब हो गया, लेकिन उन्होंने गाड़ी को ना चलाया ना किसी को चलाने दिया, बस वहीं खड़ी रखी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर बल्ब का उनको वहम आ गया ना, अगर वो जल गया तो वो जलता ही छोड़ देना, उन्होंने बंद नहीं करने देना, और अगर वो फ्यूज़ हो गया उन्होंने बदलने नहीं देना। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लमें ये फोबिया देता है। मैंने प्रॉब्लमें कम बोली होंगी, लेकिन इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लमें इन लोगों को होती है। तो ये शनि, बुध और मंगल के कारण होता है, मंगल के कमज़ोर हो जाने के कारण। तो इन लोगों को हर सूरत में सोने में या चांदी में मंडवा के एक मूंगा ज़रूर धारण करना चाहिए। इसके साथ ही शनि और बुध के मिश्रित उपाय, यानी 43 दिन दो मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के गरीबों को दान देना, ये भी बहुत ज़रूरी है। 27 दिन लगातार दो दुकानों से बराबर के आम लेकर के वो बांटना बहुत ज़रूरी है। और मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च कुछ भी हो, वहाँ पर बाहर जो खाली जगह होती है, क्यारी बनी होती है, वहाँ आम के पेड़ इनको लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो उससे ये सही होने लगते हैं। और अगर तकलीफ़ फिर भी पूरी तरह ठीक नहीं होती तो आम के पेड़ पर 43 दिन लगातार थोड़ा सा उसके तने के ऊपर दूध गिराया जाए, तब ये प्रॉब्लम दूर होती है और तब अच्छा पड़ता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दें। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 999-0522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।